देखिए, मैं आज देवघर आया था। परिवर्तन यात्रा चल रही है। लोगों के मन में एक दर्द है और वो दर्द इस बात का है कि जेएमएम की सरकार ने जो उनसे वायदा किया था, आप अगर उस पत्रक को देखेंगे उसमें से कोई भी वादा यहां की सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैंने आज वहां भी कहा कि ये परिवार की पार्टी, ये जाति की पार्टी, ये वंशवाद की पार्टी कभी भी किसी ना प्रदेश का ना देश का भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वो पार्टियां हैं, चुनाव के समय जब आती हैं तो जनता से झूठे वायदे करती हैं। आज झारखंड की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और काम कुछ नहीं किया, सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर जो बांग्लादेश से सटे हुआ इलाका है उसमें हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। यही नहीं, भ्रष्टाचार का आलम झारखंड कि जेएमएम का आपने देखा है किस तरह से लूट और झूठ की सरकार यहां चली है। जनता का मन बन चुका है, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और उनको विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 2014 में जो हमारा संकल्प पत्र था उसको 19 तक पूरा किया और 19 का संकल्प पत्र 23 तक पूरा किया और 24 में जो हमने संकल्प पत्र लिया है उसको भी पूरा करेंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में है वो संकल्प पत्र को लेकर के काम करती हैं। इसलिए प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भरोसा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है और उनका, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को मानती है। इसलिए मैं कह सकता हूं झारखंड के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।